आइए, आपका स्वागत है। मेरा नाम डॉक्टर दीपक केळेकर है। मैं मनोविकार, सेक्स रोग, सम्मोहन तथा व्यसनमुक्ति तज्ञ हूँ। महाराष्ट्र में अकोला में प्रैक्टिस करता हूँ। हमारे यहाँ दो हॉस्पिटल्स है, एक में हम रिश्तेदारों के साथ में पेशेंट को भर्ती करते हैं, दूसरे में बिना रिश्तेदार पेशेंट को भर्ती करते हैं और उनका इलाज करते हैं। सभी तरह का मानसिक समस्या जो है, सभी तरह की उसका इलाज हमारे यहाँ होता है। सबके लिए मानसिक स्वास्थ्य और व्यसनमुक्त भारत, ये हमारा संकल्प है और इसमें हम काम करते हैं। तो आइए, वीडियो में आपका फिर से स्वागत करता हूँ। अभी मैं आपको जो लड़का बताने वाला हूँ, वो एकदम यंग एज में उसको मानसिक बीमारी हुई, काफ़ी सारे प्रॉब्लम्स, मानसिक संतुलन खराब हो गया, काफ़ी सारे प्रॉब्लम्स घर के लोगों को, फैमिली को, आजूबाजू लोगों को हो रहे थे और उसका इलाज भी उन्होंने हैदराबाद में किया, मगर वो अनकंट्रोल हो रहा था। अभी उसको हमारे पास में अभी लाया है और उसका इलाज हम कर रहे हैं। तो देखिए, अभी पेशेंट और उसके रिलेटिव्स ये क्या बोलते हैं। तो आपका कौन है लड़का? मेरा बड़ा बेटा है सर। बड़ा बेटा है, क्या हो गया इसको? अभी तो पढ़ाई कर रहा है। पढ़ाई कर रहा था, पढ़ाई कर रहा था। बीएडी में उसको घूम बोलते हैं, बीएडी में उसको जॉइन कर, जॉइन करने के बाद उसका अभी नशा था, उसको फूक गए बोलते हैं, उसका सब्जेक्ट है जो क्या उसको जान पे गिर गया था। हाँ, उन्होंने सोच के ऐसा गिर गया, गिर जाने के बाद मैं क्या करा बोले, हैदराबाद कल्याण सेक्टर तक का वो साइकिल स्कूल में लेकर। उसको तकलीफ क्या क्या हो गई? तो क्या कर रहा था, एक जगह नहीं रहता सर, एक जगह रहता नहीं था, भागता था, इधर उधर इधर से उधर था, बड़बड़ बड़बड़। हाँ, और डर था, डर 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 होता। हाँ, क्या डर था उसको? हर बात को डर था। हाँ, हर बात, हर बात को डर था। हाँ, बात को डर, फिर आएगा पकड़ेगा मारेगा। नींद नहीं आ रही, नींद नहीं आ रही है, हसरा सा हसरा था अपने आप से। आपसे अपना अपने कितने दिन से कर रहा था? अभी ऐसा वैसा तो ऐसा तो दो तीन साल हो रहा, पहले कंट्रोल हुआ। हाँ, कंट्रोल होने के बाद एकदम गोलियाँ आपको, आपको नरेंद्र मोदी साहब ने तो पैसा गरीब आदमी का बात, पैसे कम करने से उसका कोर्स टूट गया। छः महीने कोर्स टूट से और बढ़ गया, बढ़ जाने के बाद फिर डॉक्टर साहब क्या बोला बोले तो इसका मैं बोले ढोस चढ़ाया था बोले उसको, अभी ढोस उतारता हूँ बोलते, ढोस उतारने के बाद इसका इलाज कहाँ किया आपने? हैदराबाद किया। हैदराबाद सर। तो वहाँ फायदा नहीं हुआ? नहीं हुआ सर। तभी आपने यहाँ लाया? मैं आपका नाम ले रहा था क्या तो प्रकार बोल गया डॉक्टर साहब यहाँ के। आप अभी आज लाया सर। कैसा लग रहा है शानदार आने से? अब आया साहब तो क्या बोलता, नींद में है सर, नींद में सर। अच्छा लग रहा है, शांति है साहब, नहीं जा रहा कहेंगे। हाँ, कैसे करके डॉक्टर साहब, मेरे को हमारा बेटा रिजल्ट दिया सर। ठीक है, बिल्कुल पक्का अच्छा हो जाएगा, अच्छा हो जाएगा सर। मेरी इतने भी नहीं साहब। तो ऐसा काफ़ी सारा प्रॉब्लम लोगों को है कि जिनका इलाज सही तरीके से हुआ तो वो अच्छा जीवन जी सकते हैं। मतलब ये एकदम कोई स्किजोफ्रेनिक नहीं है, ये कोई पागल नहीं है ऐसे कि बहुत ही पागल हो गए भाई। केमिकल लोचा होता है दिमाग में, ब्रेन में असंतुलन होता है, केमिकल्स का असंतुलन होने से एकदम वायलेंट पेशेंट हो जाना, एक्साइटमेंट में आना, वैसा हो जाता है और उसके वजह से फिर ये प्रॉब्लम काफ़ी आ जाते हैं। तो इनका इलाज जल्दी यदि कर लिया तो जल्दी अच्छे होकर अपना जीवन अच्छा जी सकते हैं। मेंटल हेल्थ फॉर ऑल, सबके लिए मानसिक स्वास्थ्य और व्यसन मुक्त भारत, ये हमारा संकल्प है। ये वीडियो आप लोगों को शेयर करो, सब्सक्राइब करो, लाइक करो। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को आप यदि शेयर करोगे तो लोगों को एक साइको एजुकेशन हो जाएगा, मानसिक स्वास्थ्य के बारे में जानकारी होंगी और लोग अपना अपना इलाज अपने अपनी जगह पर कर सकते हैं। हम ऑनलाइन भी कंसल्टेशन करते हैं कि जहाँ लोग हमको ऑनलाइन कांटेक्ट करके काउंसलिंग कंसल्टेशन ये करते हैं और ऑनलाइन लोगों का काउंसलिंग करके हम इलाज भी करते हैं। तो आप ये जरूर ज़्यादा लोगों को शेयर करो और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करके जो घंटी आती है ना, बेल का आइकॉन आता है, उसके ऊपर क्लिक करो ताकि मेरे वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहली बार आ जाएगी। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।